कई बार हाथ के जो लकीरें होती है, लोग कहते हैं एक बार जो बन गया किस्मत लिखा गया तुम्हारा, ब्रह्मा जी ने लिख दिया। क्या इस ब्रह्मा जी के लिखा हुआ किस्मत को भी, हाथ के लकीरों को भी आप बदल सकते हैं? देखिए निश्चित रूप से कर्म से भाग्य, भाग्य से कर्म, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। न तो केवल सब कुछ भाग्य से होता है, न केवल कर्म से होता है, दोनों का मिश्रित रूप से व्यक्ति के जीवन में प्रभाव होता है। कभी भाग्य कर्म को प्रभावित करता है, कभी कर्म भाग्य को प्रभावित करता है। तो कर्म के द्वारा, मतलब कि कर्म के द्वारा भाग्य को भी बदला जा सकता है। जैसे कुंडली के हिसाब से अगर बात किया जाए तो जो तीसरा भाव जिसका बहुत मजबूत होता है वो कर्म से भाग्य बना लेता है, या भाग्य तृतीय भाव में बैठ जाता है, कर्म से भाग्य का निर्माण कर लेता है। तो ये एक बात है कि क्या तृतीय भाव में क्या बैठेंगे? तृतीय भाव में लग्नेश बैठ जाए, भाग्य तृतीय भाव में बैठ जाए, ठीक है। तो तृतीय भाव जो होता है पराक्रम का होता है। तो ऐसे लोग देखिए, ये भी भाग्य का ही निर्धारण होता है कि व्यक्ति कर्म से भाग्य बनाएगा कि नहीं, ठीक है। उसको कर्म करने की जो प्रेरणा देती है वो भी प्रकृति देती है ना। अगर बात किया जाए अगर व्यापक रूप से, तो कर्म करने की जो प्रेरणा है, जो इच्छा शक्ति, अपंग भी पर्वत पे चढ़ सकता है, लेकिन वो इच्छा शक्ति भी होना वो भाग्य के ही, हेल्दी इंसान जाकर डेथ हो जाता है सर बीच रास्ते में, ठीक है। तो प्रकृति ही निर्धारित करती है कि व्यक्ति कर्म करके भाग्य को बदलेगा कि नहीं। मतलब जो आपको दायरा मिला है, आपको कठिन कंडीशन मिला, लेकिन वो मेहनत करके वो आगे जाएगा, उसका कर्म ही निर्धारित करता है। बाकी नहीं होगा तो उसको प्रकृति आलस्य दे देगा, उसको इच्छा शक्ति समाप्त कर देगा, जरूरी नहीं है। तो वो भाग्य से ही प्रेरित होता है, कर्म हमेशा भाग्य से प्रेरित होता है। लेकिन हाँ, व्यक्ति अगर दृढ़ इच्छा शक्ति में अगर कह ले कि हम कर्म के द्वारा बदल दें, तो वो बदला जा सकता है। और बहुत सी चेंजेस होती हैं लाइफ में, जिसके कुंडली में वीक भी होता है, वही प्लैनेट बैठे हुए हैं, लेकिन उसके कर्म के हिसाब से रिजल्ट अलग अलग आते हैं, उसके परिस्थिति के हिसाब से, उसके कर्म के हिसाब से ही आते हैं। किसी के पास मान लीजिए कि 100% अपनी क्षमताओं के हिसाब से कर्म करना ही श्रेयस्कर है,